मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको आप कह सकते हो अगर फ्यूचर में आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके लिए इसकी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर कोई बोलेगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताओ, तो मेटल्स जो बचपन से देखते आए हो, क्या क्या देखते आए हो? सबसे पहले बात अगर हम करें मेटल्स की, तो मेटल्स देखने में कैसा होता है, हार्ड होता है या नहीं होता है? होता है, मेटल्स हार्ड होता है, मेटल्स सॉलिड होता है, लेकिन सभी मेटल्स सॉलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लिक्विड भी मेटल पाए जाते हैं। कौन सा मेटल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो है मरकरी। मरकरी जो है वो पॉइजनस इन नेचर भी होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप नहीं खा सकते बिकॉज पॉइजनस है। मेटल्स हार्ड होते हैं ऐसा बोला जाता है, बचपन से ही ये पढ़ते आए हैं, लेकिन अब पता होना चाहिए क्लास 10th में कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये पनीर की तरह मुलायम होते हैं, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतने मुलायम होते हैं ये, ठीक है, तो ये हार्ड नहीं होते। तो कौन से मेटल हार्ड नहीं होते? लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। आप आपके नोट्स में चेक करो, उसमें पहले टेबल में सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, राइट। मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर, बोलने की जरूरत ना पड़े बेटा, मैलेबल की स्पेलिंग आनी चाहिए तभी पढ़ के इतने होशियार हो, 10th क्लास में पहुंचे हो। तो मैलेबल मतलब होता है किसी भी मेटल्स को पीट पीट के हम उसकी लंबी शीट बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलेबिलिटी। मेटल्स डक्टाइल इन नेचर भी होते हैं, डक्टाइल मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी वाला प्रॉपर्टी, यानी किसी भी मेटल को पीट पीट के आप उसकी लंबी वायरें निकाल सकते हो, उसको बोला जाता है डक्टिलिटी, या हम बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। उसके बाद गैलियम और सीजियम, ये दो मेटल ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, लेकिन सीजियम एंड गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एक तरह से जनरल नॉलेज समझ लो, साइंस भूल जाओ, कि कोई भी पूछते कि ऐसा सभी का जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मेटल का, लेकिन वो कौन से दो मेटल है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, तो कौन से हैं बेटा? गैलियम और सीजियम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है मेटल्स का। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं बेटा, मतलब गर्म भी जल्दी हो जाते हैं। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर एंड कॉपर। कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसने 50-50 लिया था, ठीक है, तुम मत लेना, तुम याद रखना सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट कौन सा होता है? चांदी, चांदी है सदा के लिए, ठीक है। तो सिल्वर और कॉपर, तो जितने भी वायरें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो हमारे घरों में आता है, तो ये जो घरों में आते हैं तो ये कॉपर होता है, इसमें चांदी लगाएंगे तो रोज चोर चोरी करके ले जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, रोज बिना इलेक्ट्रिसिटी के बैठेंगे, तो फिर इसीलिए सिल्वर यूज नहीं करता होता, कॉपर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट, अब नॉन मेटल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेटल्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हमने, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स जो है बेटा वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड में कौन सा होता है नॉन मेटल? कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। अगर कोई बोले लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताओ, तो लिक्विड नॉन मेटल कौन से होते हैं? ब्रोमिन। और अगर कोई बोले गैसियस, गैसियस का नाम बताओ, तो गैसियस कौन सा होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है सिल्वर, नहीं कॉपर, नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड तरीका, ये डायमंड है, ठीक है, हीरा है सदा के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बता सकता है बेटा डायमंड का कितना होता है? बिल्कुल नहीं बेटा, गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, 2.42, इट्स नॉट 2.48, इट्स 2.42। दुनिया का सबसे फास्ट, तुमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, इसका क्या मतलब है?
कि मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, मतलब वो जो बेंड होगा जब लाइट डायमंड में एंटर करेगा तो वो जितना बेंड होगा वो कितना टाइम्स बेंड होगा, 2.42 टाइम्स बेंड होगा, तो उसका ये मतलब होता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ब्लू ब्लू दूसरा चैप्टर है रिफ्लेक्शन लाइट वाला, उसमें उसमें पूछा जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल, मतलब नॉन मेटल्स को आप पीट पीट के उसकी लंबी शीट नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन नेचर, उसको पीट पीट के आप उसकी वायर भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये भी पॉइंट गलत है। अगर ध्यान से सोचो, अगर अपना जो सोचने वाली क्षमता को अगर बढ़ाओ, है ना, अपना अगर थिंकिंग स्किल्स अगर इंक्रीज करो, तो पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिया मैंने और तुम भी पढ़ लोगे। ओके, नॉन मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, तो ये ऐसे ही याद करोगे, फिर तब तक कोई और इंटेलिजेंट आएगा बोलेगा अच्छा जो भेड़ है जो शीप है उसका बाल इट्स अ नॉन मेटल, उसकी लंबी लंबी हम थ्रेड निकाल देते हैं, तो इसका मतलब नॉन मेटल्स आर ऑल्सो डक्टाइल इन नेचर। लेकिन जब से बुक बनाई गई है जो पुराने नॉलेज हम फॉलो करते आ रहे हैं तो अभी भी उसी को लिखने के हमें नंबर मिलते हैं। लेकिन पढ़ाई का मतलब है आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो पढ़ रहे हो कौन सा सही चीज़ पढ़ रहे हो और क्या मुझे याद रखना है और क्या गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखना वही है तो लिखने के नंबर मिलते हैं, तो लिखो ज़रूर वो चीज़, क्योंकि नंबर तो चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे है कि नहीं, सभी को चाहिए, क्योंकि आज तक वो कभी चेंज ही नहीं किया गया। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए, जब अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में होगी तब ये क्वेश्चन तुम राइज ज़रूर कर सकते हो, तब ये बदलाव ये चेंजेस तुम ला सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ एक सोच डाल सकता हूँ तुम्हारे माइंड में कि ऐसी सोच तुम भी डाल सकते हो। ठीक है, नॉन मेटल्स जो सॉलिड एंड लिक्विड होता है बड़ा, उसका नॉन मेटल्स उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, लेकिन डायमंड का नहीं होता। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इवन सर्जन जो हैं वो सर्जरी के लिए जो ब्लेड यूज करते हैं, जो नाइफ यूज करते हैं, वो भी डायमंड का बना होता है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होता है बेटा नॉन मेटल में, है ना। लेकिन ऐसा एक नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कौन सा नॉन मेटल है वो, ग्रेफाइट या फिर लेड, पेंसिल का लेड नोक, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो आर नॉट सोनोरस। सोनोरस वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्योंकि क्योंकि मेटल्स जो था दे आर सोनोरस इन नेचर, मतलब हर मेटल बीटिंग करने पे एक डिफरेंट काइंड का साउंड प्रोड्यूस करता है। कोई मुझे बता सकता है मंदिर का जो घंटा होता है वो किस चीज का बना होता है, वो तो मुझे ही पता है बेटा मेटल, लेकिन कौन से मेटल का आ जाता है कोई क्वेश्चन कई बार, जंग लग जाएगा बार बार, लगता है कभी जंग लगता ही नहीं है, ब्रोंज। ठीक है, इट्स ब्रोंज मेटल, सेंड कर दो बेटा। Al2O3 बेटा एम्फोटेरिक के नेचर है, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, लाइक ए बेस और लाइक ए एसिड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वो पूछता है ये रिएक्शन कि Al2O3 जब NaOH के साथ मिलेगा तो क्या बनाता है X कंपाउंड, तो उस X कंपाउंड का नाम है NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, तो कई लोग जो है इस सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो मत भूलना, याद कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख लिया बेटा, चले अगले पेज पे। अब है रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होता है, इसको बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। कौन कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कौन सा कम रिएक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है या नहीं याद है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट टॉप में रहता है, मतलब पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, तो ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव वाला ही एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन में से निकाल सकता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है केदार नाथ का
माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्या है आज? आलू पराठा। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, अच्छे नहीं लगाना है तो फीके पकाता है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या है आज? आलू पराठा। ठीक है, बुक में बनी हुई है बेटा ये सीरीज, याद रख लेनी है, नोट्स में भी बना के दी हुई है, जहां मर्जी वहां से याद कर लेना है। ऐसा ना हो एग्जाम में सिर्फ आलू पराठा याद रहे, आलू जहां आ गया तो एल्युमिनियम, ठीक है, पराठा याद रहे, पराठा नहीं पीबी यानी लेड, ठीक है, मैग्नीशियम तो एम जहां आ गया तो मैग्नीशियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से एलिमेंट्स के नाम रट लेने हैं और उसके बाद सीक्वेंस याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं याद होगा तो यू डू हैव माई फोन नंबर, आस्क मी एनी टाइम 24 आवर्स, राइट। उसके बाद चेक करो बेटा रिएक्शन एसिड के साथ, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन को अगर टेस्ट करना होगा तो किस टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है? याद है किसी को? पॉपअप टेस्ट, तो उससे पता लगा लेते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस रिएक्शन में या नहीं है। कॉपर सिल्वर गोल्ड कभी भी बेटा डाइल्यूट HCl में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, क्यों? इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिख लेना, क्योंकि HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है ताकि वो वाटर बना सके और वो अपने आप ही रिड्यूस्ड हो जाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉपर सिल्वर गोल्ड किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है तब जब मेटल्स रिएक्ट करे HNO3 के साथ। तो रीजन पूछ लेते हैं क्यों नहीं रिएक्ट करता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? HNO3। HNO3 का नाम जिसको नहीं पता है वो भी लिख लेना है साथ में, पूरा ही लिखना है, लिखो जल्दी से फिर आगे चलेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर का, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, रिएक्टिविटी वेरीज मेटल, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। मजा लेते हैं वो पत्थर होते हैं MAZFE, याद रखने का तरीका, इसको भी कहीं जरूर लिख लेना है, याद रहना चाहिए लाइन से। कोई भी एग्जामिनर होगा बेटा वो इसी पे सारा खेल खेलेगा बेवकूफ बनाने के लिए, कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा और लगेगा कि अरे ये तो मैं हरा के सही आया हूँ एग्जाम में और गलत हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम है प्लस Al2O3 या समथिंग है तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर Al दे दिया प्लस Mg समथिंग कुछ तो नहीं करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही कम वाले को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट MAZ, मजा ऐसे कुछ भी लगा लेना अपनी मर्जी से, है ना, नए टाइप का हमने ऐसे बना लिया था, सभी का अलग स्टाइल होता है। लिख लिया बेटा, चले आगे। ओके, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कारण पूछ लेते हैं क्यों, क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जबकि निकलना चाहिए था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, जो कि फिर प्रोड्यूस होता है, क्या बना देता है? वाटर, इसीलिए गैस नहीं निकलता, क्योंकि हाइड्रोजन की एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब लव, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लव को ही कहा जाता है एफिनिटी, तो जो हाइड्रोजन की एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और मिलके H2 और O वाटर बना देता है। चलिए बेटा आगे, मैग्नीशियम, यहां देखो बेटा Mg plus CuSO4 क्या बन गया, MgSO4 plus Cu है कि नहीं,
क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से, ये मैग्नीशियम ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको हटाया और खुद जाके वहां पे लग गया, कॉपर फ्री हो गया। लेकिन अगर मैंने तुमको यही रिएक्शन दे देता और मैं बोलता Cu+MgSO4, तो अगर लॉजिक दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहेगा, फिर वो कौन, वो क्या करेगा? अच्छा कॉपर प्लस MgSO4 है, देखो देखने कौन कौन बनाता है, लिखो रिएक्शन बेटा जल्दी, Cu+MgSO4 जल्दी से रिएक्ट, जिसको ये रिएक्शन समझ में आ गया वो भी बना देगा और बोलेगा कोई कुछ नहीं, सिर्फ हाथ चलाएगा और मुझे दिखाएगा। क्वेश्चन है तुमसे Cu+MgSO4, जैसे ये हुआ वैसे ही वो होगा, Mg+CuSO4 है, Cu हटाया, Mg जाके चिपक गया, MgSO4। तुमको मैंने रिएक्शन दिया है Cu+MgSO4, जल्दी से बनाओ, जो ये रिएक्शन समझ गया वो वाला भी इजीली समझ जाएगा, जल्दी से बनाओ, जल्दी से, मेक इट फास्ट, तड़ातड़ी करो, सारा वहीं देख लेता, सारा वहां देखो, आप अपना माइंड यूज करना है, जल्दी से कराओ रिएक्ट, क्यों नहीं करा रहा बैठा, क्यों है, हो गया Cu+MgSO4। रिएक्टिविटी सीरीज का ये बेनिफिट है, ये फायदा है बेटा, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ओके? तो इसी तरह मैंने बोला, इसी तरह वो कंफ्यूज करते हैं, जब बोर्ड एग्जाम होता है बोलते हैं टफ है, टफ नहीं है, बस यू हैव टू यूज योर ब्रेन। जैसे रिएक्शन है Fe+CuSO4, तो Fe+SO4
सीयूस जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटाया खुद जाके चिपक गया, चिपक गया। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता कॉपर प्लस FeSO4 क्या होगा, तो दोबारा वो नहीं बना पाते क्योंकि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो उसको उसमें से डिस्प्लेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस हम बाहर से कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करें। यह है रिएक्टिविटी सीरीज बेटा, जो याद रखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कल नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं ये चीज, है ना, तो कभी पूछ लूंगा तो इसको याद रखोगे, लिख लो। नेक्स्ट है बेटा देखो, अब है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कब होगा, या तो ये 1 की जगह 7 कहीं से ले ले तो 8 हो जाएगा, या 1 किसी को दे दे तो स्टेबल हो जाएगा। आसान क्या है, एक देना कि साथ लेना, तो दे देगा। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब माइनस करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस वाला ही राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाता है, प्लस। तो इस तरह से लिख देते हैं, मैग्नीशियम जो है इसी तरह दूसरी साइड लिख देते हैं प्लस टू। तो जब ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर ले रहा होता है तो ये क्लोरीन है, ये प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ले लिया तो मतलब फिर ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसको जो लेता है इलेक्ट्रॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जब देता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव। ठीक है, अभी समझा भी दूंगा किस तरीके से। ओके, Na और Cl, Na ने एक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते थे, सबसे बाहर वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी एक ही था, ये 7 था क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 287 लास्ट में, तो ये एक इससे ले लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम ने, मैं बोल सकता हूँ, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो किस में होता है, NaCl, और वो बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। कार्बन इस कंपाउंड में कर चुके हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड इसलिए क्या होता है, स्ट्रांग होता है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और ClCl होता तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड होता, कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है ना, क्योंकि दोनों एक का दूसरे के काम आ जाता है, दूसरे का पहले को काम आ जाता है, तो उसमें शेयरिंग से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो वो वीक होते हैं जल्दी, और दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर पूछा जाए केमिस्ट्री में कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, राइट। एनी कंपाउंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जो बता चुका मैं, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, पेट्रोल केरोसिन, इसमें नहीं घुलता आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में, स्लेट नहीं है, मोल्टन स्टेट है, तो मोल्टन स्टेट मतलब पिघला या घुला, घुलनशील, ये जिसको डिजॉल्व हो जाता है पानी में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मान लो सॉल्ट है, पानी में ऐसे घोल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि सोडियम आयंस क्लोरीन आयंस है, तो आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। लेकिन अगर यहाँ टेबल पे मैं एक चम्मच डाल दूंगा सॉल्ट और बोलूंगा पास करो इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या पास होगा, नहीं होगा। कारण पूछेंगे क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फ्री आयंस इन इट। समझ में आ गया बेटा, बस इतना ही है बेटा जो तुम्हारे कोर्स में आ रहा है। ओके, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है।